अलगाववादी अमृतपाल 37वें दिन गिरफ्तार, डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। अजनाला थाने पर हमले का आरोपित 18 मार्च से था फरार। 37 दिनों से फरार खालिस्तान समर्थक व अलगाववादी अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह लगभग 7:45 बजे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे मोगा जिले में पड़ने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाला के गांव रोड़े से पकड़ा गया है। इसी गांव में सितंबर 2022 में उसकी वारिस पंजाब दे संगठन के मुखी के तौर पर दस्तारबंदी की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तारी के बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ की केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA और अन्य केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की एक टीम उससे पूछताछ करने के लिए जेल जाएगी। NSA के तहत गिरफ्तार उसके 9 साथी पहले से ही डिब्रूगढ़ जेल में हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए IG हेडक्वार्टर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि रोडे के गुरुद्वारा साहिब में अमृतपाल के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद गांव में पुलिस सादे कपड़ों में तैनात कर दी गई। मर्यादा भंग न हो इसलिए पुलिस गुरुद्वारा साहिब में नहीं गई। अमृतपाल को पता चला कि अब वह वहां से बचकर भाग नहीं सकता। ऐसे में जब वह गुरुद्वारा साहिब से बाहर आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसको बठिंडा के भिसियाड़ा एयरफोर्स स्टेशन से विमान के माध्यम से असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। जालंधर से फरार होने के बाद अपनी गिरफ्तारी तक वह कहां कहां रहा और किन किन लोगों ने उसकी मदद की, इसे लेकर उससे जेल में पूछताछ की जाएगी। इसके लिए पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ जाएगी। इस मामले में पुलिस आगे जो भी कार्रवाई करेगी उसकी जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी। 23 फरवरी को अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़वाने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर अजनाला थाने पर हमला करने के आरोपित अमृतपाल को पुलिस ने 18 मार्च को जालंधर में गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। हालांकि वो अपने साथी पलप्रीत के साथ फरार होने में कामयाब रहा। अमृतपाल हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड सहित पंजाब के कई हिस्सों में छिपता रहा। आत्मसमर्पण का दबाव। अमृतपाल ने जालंधर से फरार होने के बाद विदेश भागने की कोशिश की, लेकिन भारत नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा के कारण वो पंजाब लौट आया। उसने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से सरबत खालसा बुलाने की मांग की, लेकिन उन्होंने न केवल उसकी मांग ठुकरा दी बल्कि उसे आत्मसमर्पण करने की नसीहत दी। इसके बाद उसका साथी पपलप्रीत गिरफ्तार हो गया तो उसको छिपने के लिए ठिकाने में मुश्किल खड़ी हो गई। वहीं अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर शुक्रवार को लंदन जाने के लिए अमृतसर के एयरपोर्ट पहुंची तो पुलिस ने उससे पूछताछ करने के बाद वापस घर भेज दिया। जरनैल सिंह भिंडरावाला के भतीजे श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह रोड़े ने कहा कि अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसने आत्मसमर्पण किया है। अमृतपाल शनिवार रात रोड़े गांव पहुंच गया था और पुलिस को जानकारी मिल गई थी कि अमृतपाल आत्मसमर्पण करेगा। यह बात अमृतपाल ने आत्मसमर्पण से पहले बनाए वीडियो में कही।